सुनते आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। पूरी दुनिया से कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन को लेकर डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है। चिंता की बात ये है कि शुरुआती रिसर्च से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन भी इसके खिलाफ कारगर नहीं है। बस राहत की बात यह है कि वैक्सीन लेने वाले लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। कोरोना की मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है इसको लेकर दुनिया के कई देशों में इस वक्त रिसर्च चल रहे हैं। रिसर्च की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ऐसे लोग ओमिक्रॉन के संक्रमण से बच रहे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज के साथ फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ली है, लेकिन ये दोनों वैक्सीन अमेरिका के अलावा कुछ ही देशों में उपलब्ध है। एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और रूस की वैक्सीन भी ओमिक्रॉन के खिलाफ ज्यादा कारगर नहीं है। ऐसे में कोरोना की महामारी को रोकना आसान नहीं होगा। एक निजी न्यूज चैनल के मुताबिक अब तक के अधिकांश सबूत लेब प्रयोगों पर आधारित हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को पूरी तरह कवर नहीं करते हैं। फाइजर और मॉडर्न की वैक्सीन नई एमआरएनए तकनीक पर आधारित है और इन दोनों वैक्सीन ने अब तक लोगों को कोरोना के हर नए वेरिएंट से सुरक्षा दी है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ फैमिली पर। जय हिंद, जय भारत।